Hello everyone, I am back here with another video of class 10th and I'll be teaching SST, and in this video we will study about economics, and the chapter would be the first chapter, that is development. This is class 10th, and before moving forward I would like to request that to like the video, please like it, share it and subscribe the channel Study Tree. Alright, thank you so much. ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं और ये क्लास फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है डेवलपमेंट यानी कि प्रगति, इसको हिंदी कहते हैं प्रगति या प्रोग्रेस। तो डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरह से जो है डेवलपमेंट एक कंट्री का होना चाहिए, जिस तरह से हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम किस तरह जिएंगे, हम किस तरह रहेंगे, हम क्या काम करेंगे कि हमारा प्रगति हो, हमारे लाइफ का प्रगति हो, उसी तरह हम एक कंट्री के बारे में सोचते हैं कि कंट्री किस तरह प्रोग्रेस कर सकती है या किस तरह डेवलप कर सकती है। ठीक है, तो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैड ऑलवेज बीन विद अस, यानी कि जो आइडिया है डेवलपमेंट का या प्रोग्रेस का वो हमेशा हमारे साथ रहता ही रहता है, चाहे हम छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो जाए, हम सोचते हैं, हम हमेशा अपने लाइफ में सोचते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं किसी काम के लिए या किसी के लायक, या किस तरह से अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, यानी कि हमेशा हमारे मन में जिज्ञासा, हमारे डिजायर्स इच्छाएं रहती है कि किस तरह से जो है हम अपने लाइफ को, अपने आप को या अपने फैमिली को कैसे डेवलप कर सकते हैं या प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या काम हम लोग करेंगे एंड हाउ वी लाइक टू, कैसे हम लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे, कैसे रहेंगे। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, उसी तरह हमारे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि कंट्री जो है किस तरह से होना चाहिए या किस तरह से डेवलप करना चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स वी रिक्वायर, यानी कि क्या ऐसी जरूरत की चीजें हैं जो हमें बहुत जरूरी है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या हमारे क्या जिंदगी जो है सबके लिए अच्छी हो सकती है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, यानी किस तरह से जो है लोग एक साथ रहे। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या सभी में समानताएं आ सकती हैं या हो सकती हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन एंड अबाउट वेज इन विच वी कैन वर्क टुगेदर टू अचीव दिस गोल्स। तो डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट जो लोग पढ़ते हैं वो यही सब पढ़ते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है इसी बारे में जो है हम लोग डेवलपमेंट में पढ़ते हैं और इन उसके बारे में सोचते हैं और तरीके भी पता करते हैं कि किस तरह से जो है इन सारे क्वेश्चन को आंसर किया जाए या तो ये जो गोल्स हमारे जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको कैसे पूरी की जा सके। तो डेवलपमेंट में हम लोग यही सब चीजें पढ़ते हैं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ही कठिन काम है। ठीक है, और जो चैप्टर है, ये जो पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इसमें यही सब बताया गया है कि ये एक बिगनिंग, ये शुरुआत है कि हम लोग कैसे जो है डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे जो है अपनी प्रगति को हम लोग समझते हैं। तो पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है हमारा व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, यानी कि डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है, डिफरेंट पीपल हो डिफरेंट गोल्स होते हैं उनके। ठीक है, एज फॉर डेवलपमेंट पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू देम, यानी कि जब हम डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट में ये चीज देखा जाता है कि जो लोग हैं वो ऐसी चीजों की जरूरत इच्छाएं करते हैं या डिजायर करते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दैट विच पीपल फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर्स, यानी कि लोग जो है वैसे चीजों की इच्छा करते हैं या फिर कामना करते हैं या डिजायर करते हैं जो उनके डिजायर्स को, जो उनकी इच्छाएं को पूरा कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की इच्छा होती है कि वो जो अगर वो कहीं गांव जाता है घूमने बाहर मार्केट में, तो वो देखता है चीजों को, देखता है खिलौनों को, देखता है बलून को, देखता है टॉयज को, देखता है गाड़ियों को, देखता है, तो उसकी भी इच्छा होती है कि काश मेरे पास ये गाड़ी होती। ठीक है, काश ही मेरे पास खिलौना होता, काश ही
इंसान के पास बॉल होती है, खास कर बलून लड़का छोटा, तो कीपर जो है उन सबकी इच्छाएं करते हैं जो हमको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स में सीखते इस विचार कॉन्फ्लिक्टिंग, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो या दो से ज्यादा लोग ऐसे भी चीजों की इच्छा करते हैं जो उनके काफी ज्यादा दिक्कत पैदा कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक खिलौना है या कोई गाड़ी है, तो मैं भी उसकी इच्छा कर रहा हूँ और मेरा दोस्त भी जो है उसकी गाड़ी की इच्छा कर रहा है, तो उसके बाद भी तो ये कभी कभी चीजें जो है कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है। कॉन्फ्लिक्टिंग इन द सेंस प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, इन द सेंस की कुछ किसी की नीड्स को पूरा कर रहा है वो चीज, बट किसी के चीज पर किसी को हार्म भी कर रहा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गाड़ी ले लेता हूँ तो मुझे तो फायदा होगा ही होगा, ठीक है, मैं गाड़ी में घूमूंगा, बट जब पॉल्यूशन होगा उससे तो एनवायरमेंट को इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहा है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये है कि मेरे को फायदा हो रहा है बट दूसरे पर्सन से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो चीजें, दो लोग या दो से ज्यादा लोग जब एक ही चीजों की इच्छाएं करते हैं तो कभी कभी वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है दूसरे के लिए या फिर मेरे लिए, ठीक है। तो आई होप आपको यार समझ आया होगा, ठीक है। और इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक को, कोई चीज, कोई वर्ड समझना है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछिएगा, ताकि मैं वहाँ पे आपके डाउट्स को जो है रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। देखते हैं आगे, तो इस टॉपिक को हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स, ठीक है। People seek things that are most important to them, यानी कि जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि उनको वही चीजें चाहिए जो बहुत ज्यादा उनकी जरूरत हो, that which people can fulfill their aspirations of their, यानी कि वैसे चीजें उनको चाहिए जो उनके जरूरतों को, उनके डिजायर्स को, उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टू पर्सन और टू पर्सन में सीखते इस विचार कंफ्लिक्टिंग, कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता है होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोगों को एक ही चीज की जरूरत हो तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, यानी वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है दूसरे के लिए, ठीक है। जैसे कि अ गॉड एक्सपेक्ट एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर एंड दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस ऑफ गॉड, यानी कि एक जो गॉड है घर में, ठीक है, उसको भी उतनी फ्रीडम चाहिए, उसको भी उतनी अपॉर्चुनिटी चाहिए जितनी उसके भाई को मिला हुआ है, और वो जो भाई उसका जबकि वो उसके घर के कामों में हाथ भी बढ़ाता है, हर ब्रदर में और नाइट बट उसके भाई को जो है ये चीज पसंद ना हो, ठीक है। सिमिलरली इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स बट दिस वे सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस सच एज ट्राइबल्स। अब जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो बड़े बड़े उद्योगपति है, उनको जो है वो चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो चाहते हैं कि उनके लिए डैम्स बनाए जाए ताकि वो लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके अच्छे से, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है तो जो जमीनें वहां से डिस्प्लेस हो जाएंगी, जो गरीब वहां पर रह रहे हैं वहां डैम्स का, जो अभी फिलहाल जहां पर रह रहे हैं वो लोग, अगर वहां डैम बनता है तो जाहिर सी बात है कि वहां से उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, जमीन वहां की खराब हो जाएगी उनके लिए, क्लियर। और जो आप ट्राइबल्स वहां पर रह रहे हैं उनके लिए जो जिंदगी है काफी ज्यादा मुश्किल बनी हो सकती है। दे माइट प्रेजेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल डैम्स और डैम्स टू बी क्लियर प्लांट्स, यानी कि जब अगर डैम बनता है बड़ा तो जाहिर सी बात है उनको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, अपने लैंड को इरीगेट करने में, या उनको जरूरत पड़ सकती है छोटे कुओं की, या फिर उनको टैंक्स लगाना पड़ेगा ताकि वो अपने जो जमीन है उसको उपजाऊ बना सके, वहां पे पानी इरीगेट कर सके, क्लियर। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, अगर जो स्टोरी में पढ़ा उससे दो थिंग्स हमेशा क्लियर होता है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। जाहिर सी बात है अपने आप को डेवलप करने के लिए हर आदमी का अपना अलग गोल हो सकता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट, अलग अलग जो लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट का अलग अलग गोल्स हो सकता है, अलग अलग डिजायर्स हो सकता है, ठीक है। दूसरा है व्हाट मेक डेवलपमेंट फॉर वन,
not be development for the other, it may be destructive for other. यानी कि जो एक development एक के लिए development का रूप देखा जा रहा है तो दूसरे के लिए development नहीं हो सकता है. जैसा कि हमने example दिया industrialist वाला, या मैंने अभी मैंने बताया example car वाला. मान लो मैंने car लिया, ठीक है, मैं चला रहा हूँ road, तो उससे pollution हो रहा है. तो जो गरीब जो लोग हैं, जो रोड पे रहते हैं, उनको दिक्कत होगी पोल्यूशन से, ठीक है, उनको ज्यादा आवाज आएगी, हॉर्न जब हवा हॉर्न बजेगा तो क्लियर. तो मेरे लिए तो डेवलपमेंट है, यानी कि मेरे लिए डेवलपमेंट ये है कि मैं अपने ऑफिस में या मुझे कहीं आना जाना है तो मैं आसानी से रह जाऊंगा. बट जो एनवायरमेंट है, जो लोग गरीब लोग जो रोड पे रहते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा डेवलपमेंट वो नहीं हो सकता है, वो उनके डिस्ट्रक्टिव हो रहा है. उसी तरह हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट वाला, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि उनको उनके लिए डैम बनाया जाए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके. बट जो वहां पे लोग रह रहे हैं वो फिलहालों शब्दों में उनके लिए दिक्कत है. क्यों? क्योंकि उनके घर भी उड़ जाएंगे, लैंड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, उनको जो है एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ सकता है. क्लियर? तो ऐसा भी होता है कि डेवलपमेंट एक लिए हो सकता है बट डेवलपमेंट दूसरे के लिए ना हो. तो दो चीज हमेशा क्लियर हो गए इस इन दोनों चीजों की. एक पर्सन के लिए अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ठीक है. जैसे कि मैं जो है उस फील्ड में डेवलप करना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में डेवलप करना चाहता हूँ, ठीक है. बट दूसरा जो है वो इंजीनियरिंग में डेवलप करना चाहता है, तीसरा जो है वो मेडिकल में डेवलप करना चाहता है. तो अलग अलग लोग भी अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं. और दूसरा ये कि अगर जो एक जो चीज एक के लिए डेवलपमेंट देखा जा रहा है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. क्लियर? तो आई होप कि आपको पहले तो कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है. कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं अपना इनकम डेवलपमेंट. ऑलराइट, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इनकम एंड अदर गोल्स. तो चीजों के साथ साथ जो है लोगों की इनकम गोल्स भी होते हैं और बाकी गोल्स भी होते हैं जो लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. व्हाट पीपल आल्सो डिजायर इज बेटर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस फॉर द क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस. यानी कि लोगों के चीजों के अलावा बाकी चीजें भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उनके डेवलपमेंट में, जैसे कि उनके पास रेगुलर वर्क हो, सैलरी अच्छी मिल रही हो, जो फार्मर्स है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको वो प्राइस जो मिल रहा है प्रोड्यूस का वो अच्छा मिल रहा हो, ठीक है. इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम. यानी कि अगर दूसरे तरीके से कहा जाए, जाहिर सी बात है अगर रेगुलर वर्क होगा तो रेगुलर इनकम होगा, ठीक है, बाद में बढ़ भी सकता है, ठीक है. सैलरी अच्छी हो वो तो और भी चाह रहे हैं कि थोड़ी और अच्छी और जब मेरा जब प्रमोशन हो तो और मुझे अच्छी सैलरी मिले. जो फार्मर्स होते हैं वो सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह से भी जो है मुझे और ज्यादा प्रोड्यूस करो और मुझे ज्यादा इनकम मिले. तो वही बात है कि इनकम गोल्स लोगों का भी एक गोल होता है ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, ठीक है. बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे ऑर द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. यानी कि पैसे के साथ साथ जो है पैसा तो है ही है डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ पैसे के अलावा और भी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले. यानी कि ट्रीटमेंट जो है लोगों को उसको अच्छे से ट्रीट करे, अगर हॉस्पिटल पर नहीं जा रहे तो उनको अच्छे से इलाज किया जाए जैसे सबका किया जाता है, ताकि सबको बराबरी में तो बराबर तरीके से जो है इलाज किया जाए. उनको भी वो भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको भी जो है हर चीज करने की फ्रीडम हो. जैसा कि हमने गर्ल अभी कुछ देर पहले बढ़ा थी, जो गर्ल है उसको भी बहुत ज्यादा फ्रीडम चाहिए ताकि वो अपने लाइफ को अपने तरीके से जी सके, ठीक है, बाहर जाकर पढ़ाई कर सके, ठीक है. उसी तरह सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि हमारे जो राइट्स हैं उसका कोई हमारे राइट को छीने रहा. जैसे हमें सिक्योरिटी हमारे लाइफ जो सिक्योर हो, यानी कि कोई अगर कोई दिक्कत होती है तो हम कोई सिक्योरिटी कहने का मतलब ये भी है कि जैसे हमारे जो जैसे मैंने बताया कि राइट्स के बारे में, तो राइट्स अगर हमारा कोई छीन रहा है तो हम कहीं कंप्लेन कर सके, उसका कोई प्रोटेक्शन हो जैसे पुलिस होता है, ठीक है. उसी तरह रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, यानी कि लोग पैसे के साथ साथ चीजों के साथ साथ ये भी चीज जाते हैं कि हमें जो है रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में, हमारा इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, ठीक है. तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक पर्सन के डेवलपमेंट के लिए. तो ये सब चीजें मैंने बताया, ये सारे नॉन मटेरियल चीजें हैं, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो लोग ये सब चीज चाहते हैं वो ये नहीं चाहते
जाता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए या भेदभाव किया जाए। तो ऐसे लोग डेवलपमेंट के लिए चाहते हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, तभी वो जो है अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू गेट इट। यानी कि कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मानना होता है कि ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा इनकम से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जिसके इनकम से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ताकि वो अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सके। सिर्फ पैसे या मटेरियल थिंग्स की जरूरत नहीं है अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए। यानी कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है, बट मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे इक्वली ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, मेरे फ्रीडम को छीना जा रहा है, तो वो कोई फायदा नहीं है। मैं पैसे होने के बावजूद भी जो है सारी चीजें खरीद सकता हूँ बट मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। अगर ये सब चीजें है नॉन मटेरियल चीजें है लोगों के पास, ठीक है, तो उससे ये भी कह सकते हैं डेवलपमेंट उसका हुआ है। बट सिर्फ पैसे हो जाए पास और सारी चीजें मटेरियल चीज हो जाए तो सिर्फ उसी के साथ हम अपनी जिंदगी को नहीं जी सकते हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। यानी कि जो मनी है, जो पैसा है और जो मटेरियल थिंग्स है वो एक फैक्टर है, ठीक है, वो एक फैक्टर है डेवलपमेंट का, ठीक है, जिससे हम चीजों को खरीद सकते हैं। बट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। बट अगर अच्छी ढंग की जिंदगी जीनी है या क्वालिटी लाइफ जीनी है तो नॉन मटेरियल थिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है, ठीक है, तभी जो है हम अपनी लाइफ को अच्छा लाइफ डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हैं या फिर अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू, अगर ऐसा नहीं है, अगर सिर्फ सारी चीजें सारी खुशियां जो पैसे से मिल जाती हैं तो ऐसा नहीं है, देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। तो ये सोच लो कि तुम्हारे दोस्तों का रोल क्या होता है तुम्हारे लाइफ में। ये तो नॉन मटेरियल थिंग्स है, इसके बाद जो फ्रेंड्स है वो नॉन मटेरियल थिंग्स है, उसको पैसे से तो खरीद नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो अगर कोई मानता है कि सब चीज पैसा ही दिला सकता है, सब कुछ पैसे से हो सकता है, तो ये एक गलत है। अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है तुम्हारा लाइफ जो है प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वैसा ही लोग सोच सकते हो कि तुम्हारे अगर फ्रेंड्स का जो रोल है वो तुम्हारे लाइफ में क्या है, ठीक है, उस कैसे अपनी बातें शेयर करोगे, किससे अपनी बातों को शेयर करोगे, या फिर कैसे कहीं जा खेलने के लिए या कहीं जा रहा है, कहीं पार्टी करना है, कहीं कुछ भी करना है, तो कहीं हेल्प की जरूरत पड़ेगी, कहीं दिक्कत हो गया, तो उसका रोल सोचो अपने फ्रेंड्स का क्या होगा तुम्हारे लाइफ में, ठीक है। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर बट मीन अ लॉट टू आवर लाइफ। उसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग मेजर नहीं कर सकते, जिसका हम लोग नाम तो नहीं कर सकते बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में हो जाता है, ठीक है, जैसे फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव हो गए, नेचर हो गया, एनवायरमेंट हो गया, उन सब वो सारे नॉन मटेरियल थिंग्स, जाहिर सी बात है, बट उनकी जरूरत भी जो है हमारे लाइफ में अपने लाइफ को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है सारी चीजें भी, क्लियर। तो मनी इनकम एंड अदर गोल्स में यही आता है कि इनकम भी होना चाहिए साथ साथ नॉन मटेरियल थिंग्स होना चाहिए हमारी लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, क्वालिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सारे क्या है, एनवायरमेंट, ये सारे क्या है नॉन मटेरियल थिंग्स है जो हमारे लाइफ को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है इन सब चीजों का। क्लियर, सिर्फ पैसे से ही सब कुछ या फिर सिर्फ मटेरियल थिंग्स से ही होने से सब कुछ अपनी लाइफ को हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आई एम नेक्स्ट पढ़ता था नेशनल डेवलपमेंट। और तो नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ने से पहले हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से जो है मनी नहीं बाकी चीजें भी जो है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। कंसीडर एन एग्जांपल, इफ यू गेट अ जॉब एट फार ऑफ बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर एंड ऑफ कोर्स टू लर्न। यानी कि अगर इसमें एग्जाम्पल दिया है कि अगर तुम लोग मान लो तुम लोग कहीं बहुत दूर नौकरी मिली है, ठीक है, अच्छा पैसा पे कर रहा है, तो उसको उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले तुम लोग बहुत
सारी चीजें जो है अपने इम्पोर्टेंट अपने इम्पोर्टेंस के लिए कंसिडर करोगे, ठीक है। जैसे फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, यानी कि तुम्हारे फैमिली के लिए क्या फैसिलिटी होगा वहां पे, वहां का वर्किंग एटमोस्फेयर कैसा होगा, ठीक है, और तुम्हें कितना अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलेगा नई नई चीजों को सीखने के लिए। जाहिर सी बात है कि तुम लोग भी जो है इन सब चीजों को कंसिडर करोगे ही करोगे, कहीं अगर तुम्हें नौकरी दूर मिलती है तो ये सब चीजें भी तुम लोग कंसिडर करोगे एक्सेप्ट करने से पहले, कि तुम्हारे फैमिली की जो तुम्हारे लिए जो फैसिलिटीज है, तुम्हारे फैमिली के लिए जो फैसिलिटीज वहां मिल रही है वो अच्छी है या खराब है या कैसी है। जाहिर सी बात तुम लोग देखोगे वहां पे, वहां का एटमोस्फियर देखोगे कि कंपनी में जो तुम्हें काम मिल रहा है, जहां तुम्हें काम मिल रहा है, कि वहां का एटमोस्फेयर कैसा है, लोग कैसे वहां पे कैसे काम करते हैं वहां पे लोग, ठीक है, किस तरह से रहते हैं वहां पे तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी कि ये भी तुम लोग देखोगे कि तुम लोगों को वहां पे नए नए चीजों को सीखने का मौका कितना मिल रहा है, वहां तुम लोग किस तरह से डेवलप कर पाओगे अपने आप को। तो ये सब चीजों को ये सब चीजें जो है हम लोग कंसिडर करते हैं अगर कहीं हमें दूर नौकरी मिलती है। जाहिर सी बात है जॉब जो तुम्हें बहुत ही कम पैसा मिल रहा है जहाँ पे, बट वो तुम्हें नौकरी हमेशा देगा वो, ठीक है, वो तुम्हें नौकरी से हटाएगा नहीं। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक सिक्योरिटी रहती है, हमें सुरक्षा रहती है कि चलो कम से कम नौकरी है, पैसा हमेशा आता रहेगा, भले ही कम है बाद में बढ़ जाएगा, पैसा भले अभी कम मिल रहा है बट बाद में बढ़ जाएगा, बट तुम्हारे पास एक सिक्योरिटी है, एक सुरक्षा है कि हाँ तुम्हारे पास नौकरी रहेगी रहेगी चाहे कैसे कंडीशन हो जाए। तो ये सब चीजें भी तुम लोग देखोगे, ठीक है। अनदर जॉब मे ऑफर यू हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो नो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली। तो एक ऐसा जॉब, मतलब दो टाइप की जॉब की बात की जा रही है, एक ऐसा जॉब जहां तुम्हें कम पैसा मिला और एक ऐसा जॉब तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, बट वहां पे कोई तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं है कब तुम्हें नौकरी से निकाल दे या कब तुम्हें प्रमोशन ही ना हो या कब तुम्हें नौकरी से निकाल दे। तो इससे क्या होता है कि या फिर तुम्हारे फैमिली के टाइम ही ना बचे, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम पैसा भी दे रहा है बट बहुत देर तक काम नहीं करा रहा है। तो ये चीजें क्या होती है, ये तुम्हें एक तुम्हारे पास एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होगी, यानी कि तुम्हें सुरक्षा का भावना नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कि कभी नौकरी से निकाल देगा यार, ये डेली डेली तुम्हारे मन में ये रहेगा कुछ हो गया तो नौकरी से निकाल देगा, कहीं ये गड़बड़ होगी तो नौकरी से निकाल देगा, कहीं कंपनी बंद होगी तो कंपनी बंद होगी, तो ये होगी नौकरी से जाना ही जाना है। तो ये सब सिक्योरिटी, ये सब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है हमेशा बना रहता है। जब तुम्हारे पास तुम्हारे फैमिली की टाइम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अपनी फैमिली को देखभाल कैसे करोगे, ठीक है। तो दो टाइप के यहाँ जॉब से कंपैरिजन की गई, एक जहाँ पे तुम्हें कम पैसा दे रहा है बट जॉब सिक्योरिटी दे रहा है, तुम्हारे फैमिली के लिए टाइम दे रहा है, तो वो ज्यादा तुम्हारा तुम्हें रिलीफ मिलेगा, उससे तुम ज्यादा खुश संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड रहोगे, खुश रहोगे, ठीक है। एक ऐसा नौकरी जहाँ पर बहुत पैसा दे रहा है बट तुम्हारे सिर्फ जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, तो वहां पर तुम्हें लगेगा कि यार यार कहाँ पे आ गया मैं, ठीक से तुम लोग संतुष्ट अंदर मतलब अंदर से तुम लोग संतुष्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि सिर्फ पैसा ही जो है सिर्फ एक चीज नहीं है, फैक्टर नहीं होता है, बाकी चीजें भी होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ को डेवलप करने के लिए। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो शो जो हमने देखा अभी, तो जो लोग हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए अलग अलग गोल्स देखते हैं, ठीक है, सिर्फ पैसा ही नहीं अलग अलग गोल्स को भी वो लोग देखते हैं कि हमारा जॉब सिक्योरिटी रहेगा कि नहीं रहेगा, हमें संतुष्टि मिलेगी नहीं मिलेगी, वहां पे एटमोस्फेयर कैसा होगा जॉब करने के लिए, ठीक है। इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी एंड इन द हाउस होल्ड एंड इन सोसाइटी इंक्रीजेस। तो ये बात सच है कि अगर कोई वर्किंग वुमेन है तो उसकी सोसाइटी में या घर में उसकी काफी ज्यादा उसकी डिग्निटी बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट और ज्यादा उसके लिए और ज्यादा बढ़ जाती है, इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। Also, the case that if there is respect for women, there would be more sharing of household work and a greater acceptance of women working outside. कभी ऐसा भी होता है कि ये केस भी होता है
वर्किंग वुमेन बाहर काम कर रही है तो उसका घर में बहुत ज्यादा हार्ड बढ़ जाता है, ठीक है, शेयरिंग जो है हाउस होल्ड वर्क का वो बाकी लोगों में बढ़ जाता है और इससे क्या लगता है लोगों को कि और इससे क्या लगता है लोगों को कि ये जो है सिर्फ बाहर काम करती है घर में काम नहीं करती है, ऐसा केस भी होता है। एक केस दिखाया गया कि वर्किंग वुमेन जो है उसकी घर में भी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, घर के हाथों में काम बता रही है और बाहर काम में अपना पेड़ वर्क कर रही है। साथ साथ ये भी शो किया गया है कि एक वुमेन अगर घर का काम नहीं कर रही है सिर्फ बाहर का काम कर रही है, ठीक है, उसका घर में उतना रोल नहीं हो पा रहा है तो ये लगता है कि ये सिर्फ बाहर का काम करती है घर का काम नहीं करती। तो ये भी चीजें हो जाती है, ये भी लोग माइंड में जो है हो जाता है। जिससे लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछिएगा। तो इस जो हमने अभी पढ़ा है इससे हमें यही पता चलता है कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं, सिर्फ मटेरियल थिंग्स ही नहीं, इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा चीज है, जरूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तो एज ऑफ नाउ वी विल स्टडी टिल हियर एंड इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो एंड फॉर फर्दर टॉपिक्स वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ऑलराइट, तो अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको कोई टॉपिक या कोई लाइन या कोई वर्ड समझ नहीं आया तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा आपको, इस चैप्टर को पीडीएफ से अपने जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया आपको आप रिवाइज कीजिए ताकि आपको और बेटर क्लियर हो सके, ठीक है। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलराइट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।